कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इन इंडिविजुअल सीरीज को पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन यानी कि सी भी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मेजर ऑफ डिस्कशन का टॉपिक चल रहा है, लगातार हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज में कोफिशियंट वेरिएशन कैलकुलेट करना है, जहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, कैलकुलेट कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वेरिएबल दे रखा है फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है आपको आइटम्स दिया होता है और आइटम की फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है। तो इस क्वेश्चन में किस तरह से हम कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, ध्यान में रखिएगा। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फार्मूला वही होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाई बाई 100। बट जो फार्मूला मेन यूज होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाए और मीन कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो मीन निकालने का फार्मूला यूज़ करेंगे वो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, यानी कि समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो एज्यूम आपका, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सॉरी एक्चुअल मीन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेसन एफ। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम मीन निकाल चुके हैं, देन हम एक्चुअल मीन का फार्मूला यूज करेंगे। अब कैसे यूज करना है देखते रहिए पूरी वीडियो को लास्ट तक, ठीक है ना। लास्ट में फार्मूला कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को पूरा टॉपिक क्लियर करना है तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी दो तीन वीडियो और आने रह गए हैं, अलग अलग तरीके से। लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो होगा और शॉर्ट तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन को हमने तालिका में लिख लिया, टेबुलर फॉर्म में ले लिया। एक्स गिवन है, एफ गिवन है, एफ का सम टोटल करना जरूरी होगा क्योंकि हमें निकालना है मीन। सबसे पहले फार्मूला क्या बताया था, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, दैट्स फ्रीक्वेंसी आर गिवन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस करेंगे। अब क्योंकि डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो हम निकालेंगे सबसे पहले एफ एक्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड एफ। 10 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 60। 20 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 160। 30 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 480। 40 एंड 15 की मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका 600। 50 एंड 32 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 1600। 60 एंड 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 660। और 70 और 12 की माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 840। सम कीजिए तो आपके पास आएगा समेसन एफ एक्स। तो समेसन एफ एक्स कितना आएगा, सबका टोटल करेंगे ये आएगा 4400। 4400 आ गया। अब हम निकालेंगे मीन। मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ इक्वल टू एफ एक्स इक्स 4400 डिवाइडेड बाई 100। दैट मीन्स मीन इक्वल टू कितना हो गया, 44। अब इस मीन का यूज़ करेंगे डेविएशन निकालने के लिए। दैट मीन्स डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस मीन। मीन इज 44, ठीक है। मीन कितना है, 44। तो ये हो गया एक्स। एक्स में से 44 को माइनस करेंगे, 10 में से 44 माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा माइनस का 34। 20 में से 44 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 24। 30 में से माइनस कीजिए आपको मिलेगा माइनस का 14। 40 में से माइनस कीजिए माइनस का 4। 50 में से माइनस कीजिए 6। 60 में से माइनस कीजिए 16। और 70 से माइनस कीजिए 26। अब डी आ गया। बट अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो डी एफ डी स्क्वायर चाहिए। तो एफ तो गिवन है, डी भी आ गया, तो लेकिन डी स्क्वायर चाहिए। डी स्क्वायर का मतलब होता है 34 का स्क्वायर निकालेंगे। तो अब यहाँ पर 34 का अगर स्क्वायर करने जाएंगे तो 34 मल्टीपल बाई 34 आपको कितना मिलेगा, 1156। 24 का निकालेंगे स्क्वायर 576। 14 का आएगा 196। 4 का आ जाएगा 16। 6 का आ जाएगा 36। 16 का आ जाएगा 256 एंड 26 का आ जाएगा 676। डी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप आते हैं और नेक्स्ट स्टेप में चाहिए हमें
एफ डी स्क्वायर, यही फाइनल होता है क्योंकि फार्मूले में एफ डी स्क्वायर ही चाहिए। एफ डी स्क्वायर मतलब ये एफ और ये डी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1156 और ये हो गया 6, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6936। 8 और 576 की मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 4608। सीबीएसई की स्टूडेंट तो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, अगर आईसीएसई की स्टूडेंट है तो कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस कीजिए विदाउट कैलकुलेटर की, तो जल्दी हो जाएगा। तो 16 और 196 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3136। 15 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240। 32 और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 1152। और 11 और 256 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2816। एंड लास्ट 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 676 और आपको मिलेगा 8112। यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या चाहिए? समेशन एफ डी स्क्वायर, इसका मतलब हमें चाहिए समेशन एफ डी स्क्वायर। तो इसका सबका टोटल करेंगे, अगर सबका टोटल करते हैं तो आपको मिलेगा 27000 समेशन एफ डी स्क्वायर। अब समेशन एफ डी स्क्वायर आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मान लीजिए आ गया। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। एफ डी स्क्वायर निकाला कितना आ गया 27000 और समेशन एफ इज 100। यहाँ तक हो गया। 27000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 270। अब 270 का अंडर रूट निकालना है, ठीक है ना, 270 का अंडर रूट निकालना है। तो चलिए अंडर रूट निकालते हैं, 270 अंडर रूट, इधर का पेयर बन गया, इसका पेयर बन नहीं बना, वन से वन के डिवाइड करेंगे, वन वन जो वन, वन और वन टू, 170। ठीक है, अब लगभग लगभग कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 6 36 कैरी 3, 6 2 12 12 और 3 15, 6 ऐड कर दिया, 6 6 12 और ये हो गया 3, माइनस कीजिए 0 से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 6 में से 5 गया 1, डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगाया, 2 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब लगभग कितने बार जाएगा, 4 टाइम, 4 4 16, 4 2 8 19, 4 3 12, जितना आ रहा है उतना ऐड कर दीजिए, 4 4 8 2 और 3, माइनस कीजिए ये बचेगा 4, 9 में से 0, 3 में से 2 गया 1, फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, अब लगभग 3 बार डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइम, 3 3 9, तो करिए 3 3 9, 3 8 24, 3 2 6 2 8, 3 3 9। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट डिजिट तक निकालना होता है, हमने निकाल लिया। तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 16.43। ये आ गया मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब निकालेंगे कोफिशियंट। तो कोफिशियंट का फार्मूला जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक बार फिर से लिख देते हैं। कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया 16.43, मीन ऑलरेडी हमें पहले निकाल चुके थे, कितना है 44, तो डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 और 16.43 की मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा 1643 डिवाइडेड बाय 44। 44 से 1643 को डिवाइड करेंगे आप तो आपको मिलेगा 37.34। और ये जो आया यही आपका फाइनल आंसर है, यानी कि यही आपका कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है। समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, समझ में नहीं आया है कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हाँ शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।